हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ अक्षा। तो ये सुबह का टाइम है यार, मॉर्निंग का टाइम। तो यहाँ अम्मी ने बनाए हैं ये छोले, और ये मटर वाले छोले हैं। इन्हें मटर वाले छोले कहा जाता है। जब हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो इन्हें मटर वाले छोले कह के ख़रीदते हैं। तो ये बनाए हैं अम्मी ने लंच के लिए। तो बट यहाँ मैं सुबह के नाश्ते में लूँगी एक थोड़े से छोले, और इसके साथ दो स्लाइस और एक कप चाय। और ये बहुत अच्छे होते हैं खाने में, बहुत हल्के होते हैं। आप चाहे तो इसे लिक्विड भी बना सकते हैं और बिल्कुल ड्राई भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें लिक्विड ही बनाने थे इसलिए हमने लिक्विड ही बनाया। तो ये वो छोले हैं जो बाहर छोले कुलचों के साथ मिलते हैं ना, कुलचों के साथ जो मिलते हैं छोले, तो ये वो वाले छोले हैं। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही बनते हैं। तो यार यहाँ हम जा रहे हैं अम्मी और मैं हॉस्पिटल, कोई रिलेटिव एडमिट है तो हम उसे देखने के लिए जा रहे हैं। और मौसम इतना ख़राब है, रुक रुक के बारिश हो रही है। देखिए कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे, बारिश का पानी है ये सारा। और रास्ते में इतना जाम भी है, और हम यहाँ रास्ते में फंसे हुए हैं, बहुत रश है। हम यहाँ हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। तो हॉस्पिटल से हम वापस आ रहे हैं। तो यहाँ हम हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं, और आते हुए बहुत बारिश हुई थी। आते हुए इतनी बारिश हुई, जब हम गए थे उस वक्त रुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही हम हॉस्पिटल के अंदर पहुँचे वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई और रुकी ही नहीं। तो हम बारिश में ही घर वापस आए और हम भीग गए थे सारे। तो खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, डिनर करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैं यहाँ बना रही हूँ अपने लिए मीठे अंडे वाले स्लाइस। तो ये नेक्स्ट डे है, और आज मुहर्रम है। तो हमारे मुहर्रम पे बन रहा है ज़र्दा और हलीम। तो हलीम मम्मी ने सुबह ही बना लिया, और अब ज़र्दा बन रहा है। तो मम्मी ने ये चावल उबाल लिए हैं कलर डाल के, और देखिए किचन में सब फैला हुआ है, सब फैलावा हो रहा है। कुछ भी बनाओ तो किचन में ऐसा मैसी हो जाता है, कहीं कुछ रहता है, कहीं कुछ रहता है। तो ये अम्मी ने हलीम बना लिया है, देखिए ये सुबह ही बना के रख दिया था।
जब तक हम उठे तो हलीम बन चुका था, अब ये ज़रदा बन रहा है। तो एक भगोने में घी डाल दिया, घी अच्छे से गर्म कर लिया, इसमें इलायची और काली वाली लौंग डाल दी। और अब इसमें चीनी डाल दी। इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसे अच्छे से चलाया। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम अपने इसमें चावल डाल देंगे। तो अब हम अपने चावल डाल रहे हैं। अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। तो अब हम इसे ढक के 15-20 मिनट पकाएंगे ताकि हमारी जो चीनी है वो अच्छे से चावलों में मिक्स हो जाए और पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। तो हमने इसे 15-20 मिनट तक पका लिया है और खोल के देखा है तो हमारे चावलों में चीनी मिक्स हो चुकी है और अच्छे से मेल्ट भी हो गई है। तो अब हम अपने गोला और मिठाई मिक्स कर देंगे और ऊपर से डाल देंगे। ये है हमारा मावा। तो हमारा जर्दा बनके तैयार है, आ जाइए खा लीजिए। तो अब ये अम्मी बांटने के लिए निकाल रही हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।